हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में बनने वाला इंस्टेंट आलू रेसिपी नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। तो हम आलू को धुल करके छिलकर अच्छे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे और पांच छह मिर्ची को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बादाम और उसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो भूनने के बाद फिर हम उसको निकालेंगे और कढ़ाई में डालेंगे घी और उसमें डालेंगे मिर्ची और कटा हुआ आलू डालेंगे। उसको अच्छे से चलाकर भूनेंगे। तो फिर जब तक आलू मेरा ब्राउन होगा तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छे से। और देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे 5-6 कुटी हुई मरीच, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अब हम इसको चला देंगे। तो फिर हमें ऊपर से इसको क्रिस्पी करना है, तो इसीलिए हम इसको खोल कर पका रहे थे। तो फिर अभी हल्का क्रिस्पी होने लगा है तो हम इसको ढक देंगे। और फिर अभी देखिए, अब इसको चला कर देखते हैं। देखिए कि इसमें हम डालेंगे भुना हुआ बादाम। तो फिर बादाम का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसमें ज़रूर डालिए थोड़ा ही। और इसको चला लेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट और इसको पकाएंगे फ्रेंड, ताकि क्रिस्पी हो जाए। तो फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो और फ्रेंड, इसको आप बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा।